नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डिजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज रेलवे का बजट आ गया है जिसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है आप लोग के लिए, जिसमें रेलवे ने 2.3 लाख वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों, 2.3 लाख वैकेंसी आने वाली है इस साल रेलवे में। बहुत बड़ी अपडेट है ये, तो पूरी अपडेट हम दिखाएंगे ऑफिशियली आपको, कोई भी झूठ नहीं है, पूरी बात एकदम सच्चा कि रेलवे में 2.3 लाख वैकेंसी आने वाले। खुद हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये बात कही है कि रेलवे में 2.3 लाख वैकेंसी आएंगी अगले 2 साल में। नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो आपकी वैकेंसी आने वाली है, 2 ईयर्स में वो आनी है 2.3 लाख। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है आप लोग के लिए कि आपके लिए 2.3 लाख वैकेंसी आ रही है। तो जो भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उस इस वैकेंसी का आने से थोड़ा बहुत घटेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग न्यूज़पेपर पे, जहाँ पे ये जो खबर छपी है आज रेलवे बजट में क्या क्या कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में बताया गया पूरा। तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस डॉट कॉम है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर। इसमें रेलवे के हाइलाइट्स डाली गई है कुछ, जैसे कि आपको दिखा दूँ, वंदे भारत है एक्सप्रेस फेमस फोकस ट्रेन है, ये वंदे भारत ट्रेन है जो चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, उसके बारे में बताया गया है। देन आपको बताया गया है आपके रेलवे बजट वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कितना रखा गया है, रिकॉर्ड कितना रखा गया है, ऑपरेटिंग रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपको सब बताया गया इसमें। लेकिन जो आपका मेन जो बजट है वो आपका 11:20 पर डिप करा गया, तो हम लोग उस पर चलते, राइट। रेलवे बजट, IRCTC, रेलवे बजट अपग्रेडिंग, इंडियन एक्सप्रेस, ये रही मेन बजट। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, रेलवे बजट 2019 जॉब बोनस, यानी जॉब की बौछार की है। फेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की जो क्रिटिसिज्म झेल रहा था भारत, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट दर है वो 6.1% है, पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है। तो रेलवे में अनाउंस किया है कि वो 2.3 लाख वैकेंसी निकालेगा। दीज रेलवे रिक्रूटमेंट कितने अगले 2 साल में होगी, जिसमें कि 10% जो 10% आपका इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया रिजर्वेशन सिस्टम अपर कास्ट कैटेगरी में, विल बी एप्लीकेबल। पीयूष गोयल इज एक्सपेक्टेड टू स्कीप जॉब अपॉर्चुनिटी रेलवे 2019। तो 2019 में भी आपके लिए महाभर्ती के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2018 में रेलवे में लगभग 1.5 लाख के आसपास भर्तियां ली गई हैं, इसी तरह आपके साल 2019 और 20 में, साल 2019 और 20 में आपकी 2.3 लाख वैकेंसी आने वाली रेलवे में। इसका नोटिफिकेशन तो मैं दोस्तों बता दूं आपको कि इसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब तक ये जो आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी अभी चल रही हैं, जब तक इनका पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक इससे पहले नोटिफिकेशन आने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर जैसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम लोग सबसे पहले आप लोग बताएंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले आप लोग कोई भी भर्ती की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग देते हैं आपको। तो जो भी चैनल हमारे व्यूवर्स नए जुड़े हैं चैनल पर, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग सबसे पहले आपको वैकेंसी किसी वैकेंसी की डिटेल देते पूरी। तो ये आपकी जॉब बोनस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वैसे मैं बता दूँ आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की आपके 2.3 लाख वैकेंसी, 2.3 लाख वैकेंसी कम नहीं होती है रेलवे में, 2.3 लाख बहुत होती है। जैसे रेलवे में देखा आपने 62,000 वैकेंसी आपकी ग्रुप डी की निकल रखी थी, 62,000 वैकेंसी आपकी जो निकल रखी थी ग्रुप डी की है, यानी कि 62,000 केवल आपकी ग्रुप किसकी है, डी की है। ऐसी आप देखेंगे 64,000 वैकेंसी आपकी किसकी, ग्रुप सी की है। देन आपकी निकली है कांस्टेबल की निकली हुई है, कम से कम आप लगा लीजिए कांस्टेबल और पुलिस की मिला के आप लगा लीजिए 10,000 वैकेंसी है टोटली आपकी। देन आपकी उसके बाद जूनियर इंजीनियर निकली है 13,500 समथिंग वैकेंसी है। तो ये लमसम अगर आप टोटल करेंगे तो लगभग ये अराउंड है 1,50,000 के आसपास जॉब है आपकी जो 2018-19 में निकाली गई है। तो रेलवे में अब इसी बात को कहा है कि वो 2.3 लाख वैकेंसी निकालें, जिसमें कि रेलवे के स्टेशन मास्टर हैं, TT हैं, क्लर्क हैं, और स्टेशन स्टेशन कंट्रोलर हैं, और अदर वैकेंसी ग्रुप डी की और वैकेंसी लेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह ये 2.5 लाख वैकेंसी अपनी पूरी करेंगे, 2.3 लाख। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।